हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप PS2 गेम्स को आप एंड्रॉइड डिवाइसेस में कैसे प्ले कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो PS2 गेम्स प्ले करने के लिए आपको एथर एम्युलेटर और PS2 BIOS को डाउनलोड करना होगा। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और PS2 BIOS को एक्सट्रैक्ट कर लेना यूजिंग Z आर्काइवर या फिर कोई भी एक्सट्रैक्टर ऐप आप यूज़ कर सकते हो। अब हम एथर एम्युलेटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अब आपको BIOS फाइल को इम्पोर्ट करना है। मैंने USA BIOS को चूज़ किया है, आप कोई भी BIOS को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है स्टार्ट फाइल, इस पे क्लिक करके आपने जो भी गेम डाउनलोड किया है उसकी ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। मैंने स्मैकडाउन पेन गेम को डाउनलोड किया है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस गेम को हम प्ले करते हैं। ये आगे की प्रोसेस में स्किप कर देता हूँ, डायरेक्ट गेम पे जंप करते हैं। गेम हमारा स्मूथली स्टार्ट हो चुका है विदाउट एनी सेटिंग्स। हम 1-on-1 मैच को प्ले करेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज D-pad मौजूद नहीं है, तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। इम्युलेटर सेटिंग में जाएंगे, टच स्क्रीन कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंगल एनालॉग को अनटिक करके ड्यूअल एनालॉग को टिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन्स बिखरे हुए हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं। इम्युलेटर सेटिंग में फिर से जाएंगे और यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम कंट्रोल्स को अपने हिसाब से मूव करके सेट कर लेते हैं। मुझे इस कंट्रोल को छोटा करना है। एडिट वाले ऑप्शन में जाके रिसाइज पे क्लिक करके मैं बटन्स को छोटा कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से उस बटन्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम गेम को प्ले करते हैं। मैं फटाफट से कैरेक्टर को चूज कर लेता हूँ और मैच को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैच स्मूथली रन हो रहा है विदाउट एनी सेटिंग। मैं जो फ़ोन में प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है Realme Narzo 30 और ये गेम मैंने Realme 6 में भी प्ले किया है। उन दोनों में MediaTek का Helio G90T चिपसेट है विथ 4GB ऑफ रैम। इस सिमुलेटर की खास बात यह है कि आप बिना नेट को ऑन किए कोई भी गेम आप प्ले कर सकते हैं ऑफलाइन। अब हम हेल इन अ सेल मैच को ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है बट मैच प्लेएबल है। हम बैटल रॉयल मैच को भी ट्राई करके देखते हैं, सेम यहाँ पे भी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है। आप स्मैकडाउन पेन 1-on-1 और डिफरेंट कैटेगरी के मैचेस स्मूथली प्ले तो कर लेंगे बट आप 1-on-3, 2-on-2 एक्सेट्रा मैचेस प्ले करेंगे तो आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 800 सीरीज के चिपसेट और 6GB अबव रैम होगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एथर एम्युलेटर बीटा वर्जन में लॉन्च हुआ है बट उसके अभी टेस्टिंग चालू है और अपडेट आने के बाद में भी आप सभी गेम स्मूथली प्ले कर पाओगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 98% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। आई विल सी गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।